के फजल करम से आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश और खुरम रहें। सुबह सुबह का नाश्ता जनाब, इसमें पानी गर्म कराया है तो हाफ फ्राई एग है, दही है और साथ जनाबे वाला खोया है सम स्वीट के लिए, कुछ मीठे के लिए। सीन्स कुछ ऐसे हैं, मैं और राज अमन बहावल नगर जा रहे थे तो कुछ काम शाम करने हैं वो, और दर्जे से कपड़े लेने हैं वो भी लेंगे। मैंने स्वेटर पहना हुआ था वो खाकी सा है, और रियाज अहमद ने सिर्फ ये जैकेट पहनी हुई थी। जाना हमने बाइक पे ही होता है और हम बस कोई आधा किलोमीटर किया है तो हवा जनाब ओए होए, बाइक पे तो बड़ी हवा लगती है। तो रियाज तो समझ क्या है मोटरसाइकिल तो मरी बना देता है। स्मोक के खिलाफ इधर कोई जलसा, स्मोक के खिलाफ इधर कोई गैदरिंग, कुछ बीवियां आ रही थी इसलिए कैमरा नीचे कर लिया मैंने। स्मोक के खिलाफ ना कुछ गैदरिंग की हुई है, साथ जो है ट्रैफिक पुलिस वाले हैं और बच्चे शच्चे। सूट का वादा तो 2-3 दिन आई थिंक पहले का था तो अभी हम आए और सूट तैयार नहीं हुआ। साइयों के कुछ करीबी हैं, उन्होंने इनको सूट दिए थे तो फिर इन्हें वो उस तरह करना पड़ा। सलीम है किस लिए पढ़ाने ने मोड़ शाम तक हो जाएगा इंशाल्लाह। शाम तक पक्की गल जी इंशाल्लाह। चलो सही, वापस पहुंच आए हैं काफी देर के, तो अभी जनाब ना हम निकलते हैं और कबूला शरीफ की तरफ जान रहे हैं। बाई दी वे अचानक से ही प्रोग्राम बना है, वैसे आज 11वीं शरीफ है, जाना तो था लेकिन चूंकि आज रेट कन्वर्ट हो रहे हैं डाउन का सुना है तो डाउन के चांसेस हैं इसीलिए फिर, लेकिन कुछ ज़रूरी काम था साइयों से डायरेक्टली तो वो निपटा के ना फिर वापस। देखिए सहूलत तो है नहीं, बन भी सकती है वैसे मौजूदा सूरत हाल है कि नहीं है, और मौजूदा यही सूरत हाल है कि बस का भी इधर से कोई इतना मज़ा नहीं आता, मतलब कोई पक्के से टाइम वगैरह नहीं है तो एक ही रास्ता है और वो है अपनी सवारी और वो है जनाब बाइक। तो अभी बस बाइक का इरादा बन गया है तकरीबन हमारा, तो बाइक पर निकलते हैं। बहुत सर्दी होगी, बहुत सर्दी लगती है लेकिन फिर क्या करें, जहाँ जाना हो ज़रूरी हो तो जाना ही होता है। फिर रुके हुए हैं, ये इधर सामने होटल वगैरह हैं, अड्डे शड्डे हैं इधर कुछ, वो आगे मॉल चौक है उधर। तो अभी ये इस शिकरे पे हम आए हैं और इस गाड़ी का बंदोबस्त हो रहा है तो अभी आगे हम इस पे चलेंगे। और आज साथ हैं मामू जान, इफ्तिखार और नाचीज हैं, और दूसरा जनाब ये है कि अभी इधर रुके हुए हैं मॉल चौक, चाय पी जा रही है, सर्दी है इसलिए चाय पी के फिर निकलते हैं। इधर ये भाई जानों का रक्षा पे जा रहे थे, टायर सिरे से ही उतर गया तो वो एक टायर मतलब ये इस साइड से नीचे, और वो भाई जान टायर अभी रख रहे हैं।
तेरा काम सही है था। अगर तू सच्चा है और अगर तू हक पे तो मुड़ चला दे मुझे से, वो तेरे वाला काम मुझे करने लग जा। सो आखिर का मतलब ये है, मिसाल तौर पर एक अपनी माई बहन जी मेरी मोटरसाइकिल से बैठी है, वो हेलमेट ले जाती, हो सकता है थोड़ा गुआंटी थोड़ा खरीदार है कमरे देता माई तो सिर पर हेलमेट कराई जाता, बोले हो सकता तुम गादर जाओ तुम ना चला लो लाभ ना नहीं तुम चार कदे उस काम से लगा रहना की करना है हम तुम जब रोज बल्कि उन्होंने रोज भी खाओ क्योंकि काम सही है ना तो अल्लाह पाक की उम्र बचत शामिल हो जाए तुम हो हेलमेट लेने खा रहे अगले दिन दो ट्राले तो बाजार पैसे हेलमेट होता है कोई नहीं
पता नहीं की मसला है किसी का हो सकता है ना हो लेकिन मतलब क्यों
गंदा मुसलमान है, हो सकता है अल्लाह की बारगाह के ज्यादा अच्छा मुसलमान हो, यह तो अल्लाह तआला के रसूल को पता है, यह उन्होंने बारगाह के पेश होना है तो उसे पता लगना है, यह थानू आपां नूं नहीं पता भी कौन चंगा है, अपने अपने अकल के हिसाब से अपना अपना तरीके से अमल कर रहे हैं सारे। असल च दीन नहीं है, दीन आए इहो जिहियां गल्लां हैं जिहड़ी मैं तुहाडी खिदमत च पेश कीतियां हैं, ते इस आयत दा तुहानू जरिया बना के तुहाडी खिदमत च इहनू पेश करदे मैं तुहाडे तों इह चाहुंदा हां, क्योंकि मैं असल मैं खुद सवाल पुछणा चाहुंदा हां, ते मैं उह जरिया तुहाडा तां बनना नहीं हां, मेरा आधा इहदे च फायदा है, मेरा आधा लालच है, ते लालच इह ते फायदा तुहानू भी यकीन है दसी से तुसीं इह कर सको, तुहाडे दिल तों बाहर लासी ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸੋ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਓ ਕਰਮ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਤਾਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਵੇਖ ਸੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨਨ ਨਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਹੋਏ, ਥੋੜਾ ਗੇੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੈਠੇ ਆ ਦੋ ਚਾਰ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਕਰ मुसलमान पूरी दुनिया की हुकूमत करते पे होंगे, मुसलमान पूरी दुनिया से तरक्की कर चुके होंगे और दुनिया की नंबर वन नेशन हो गया, यह नहीं हो गया कि ईमानदारी 167वां नंबर आया भी है, जापान का पहला नंबर है तो ईरान का 167वां नंबर ईमानदारी है, यह नहीं होता कि कुरान मेरे तरफ से पढ़ाया हो गया, क्या तुम सारे हजरात जिन जिन हाथ खड़े की इंग्लैंड ने राजगी रखी है क्या वो छड़ने के काबिल है, राजगी इतनी के भी छड़ी जा सकती है, पहले सारे हाथ खड़े करो ये तदिन ने जो हजरात है मैं नहीं आ सकता और कह रहे हैं क्या बड़ी गुरु मार दे यार सच्चे बनो मुनाफे ना बनो मुनाफे के बारे मतलब मुनाफे के बारे बड़े सख्त किस्म के कवानी ने बड़ा बुरा तरीका कर रही है, ये फेक फ्रॉड ना बनो, इस नाल आप गंदे बन जाइए, लोगों को नजर आई है भी असि गंदे है उनकी खैर है, लेकिन चंगियाई के लफाफे के विच गंदे बन के ना निकलो, भई अल्लाह ताला नूं पता है तुहाडे ते मेरे किरदार का, ये आप लुटते तो की फायदा उठा ले सकता बंदे चाहो सर आज की गल जे जे दोस्त हो किसी ना किसी अच्छा सारे अच्छा तो नाराजगी कोई छड़न के काबिल है ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ
रात को खैर लेट नाइट वापस आए और 5-5 रुपए पेट्रोल डीजल दोनों कम हो गए इस 15 पे, तो मतलब हमें स्टॉक हमारा इतना नहीं था, इतना लॉस नहीं हुआ। और लेकिन यह है कि रेट पेट्रोल डीजल का ना 100-100 होना चाहिए, अगर मतलब पूरा 100-100 ही रहना चाहिए। खैर आज का व्लॉग काफी लंबा तो हो गया होगा क्योंकि फिर सरकार ने खिताब फरमाया इसी वजह से, तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह ताला और उसके रसूल पाक के सुपुर्द।